रांची के मुराबादी मैदान में हो रही चौथी अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकिंग प्रतियोगिता में हरियाणा के संदीप कुमार, राहुल और प्रियंका ने 20 किलोमीटर वॉक स्पर्धा में ओलंपिक खेलने की पात्रता हासिल की। संदीप कुमार ने 1 घंटा 20 मिनट 16 सेकंड का समय निकाल टोक्यो ओलंपिक में अपनी जगह बनाई। वहीं राहुल ने 1 घंटा 20 मिनट 26 सेकंड का समय निकाला। प्रियंका ने 1 घंटा 28 मिनट 45 सेकंड के समय के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। 20 किलोमीटर वॉक स्पर्धा में पहले 5 किलोमीटर तक संदीप और राहुल 19:41 के समय के साथ बराबरी पर थे। 10 किलोमीटर वॉक पर भी दोनों 39:27 के साथ बराबरी पर थे। 15 किलोमीटर वॉक के बाद संदीप 1 सेकंड से आगे आए। अंततः 20 किलोमीटर वॉक के बाद ये अंतर 10 सेकंड का रहा। आपने आज ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है, किस इवेंट में आपने पार्टिसिपेट किया था और कैसा लग रहा है आपको? मैंने वुमेन्स 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग में पार्टिसिपेट किया था और मैंने अपना पर्सनल बेस्ट किया है जो कि 3 मिनट्स हुआ है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा नेशनल रिकॉर्ड के साथ टोक्यो ओलंपिक्स का क्वालिफाई हुआ है। अब आप ओलंपिक के लिए क्या तैयारियाँ करेंगे? मैं ओलंपिक के लिए यहाँ से ज़्यादा और मेहनत करूँगी क्योंकि एक वर्ल्ड लेवल का कॉम्पिटिशन है और सब हर खिलाड़ी का सपना होता है कि ओलंपिक मेडल लेके आए। तो मैं इतनी मेहनत करूँगी कि मैं वहाँ पे अपना 100% देके आऊँ और यहाँ से भी और अच्छा खासा पर्सनल बेस्ट करूँ और आई होप कि वहाँ मेडल मिलूँ। आपका अब तक का पर्सनल बेस्ट क्या रहा है? मेरा पर्सनल बेस्ट लास्ट ईयर में मैंने रांची में किया था जो कि मेरा 36 सेकंड से मिस हुआ था, 1:31:36 था और आज मैंने किया 1:28:45। क्या नाम हो गया आपका? प्रियंका गोस्वामी। कंपटीशन पैदल चाल कंपटीशन का पहला रेस। आप लगातार दूसरी बार या तीसरी बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए हैं, कैसा लग रहा है और आपका बेस्ट क्या है? बहुत बढ़िया लग रहा है। 20 और 50 दोनों के मेरा नाम है, बड़ा अच्छा लग रहा है और क्या तैयारियां आपको करनी होगी टोक्यो ओलंपिक के लिए में मेडल लाने के लिए? आपको जो अभी करते आ रहे हैं क्या नाम होगी आपका? मेरा संदीप कुमार है।